दोस्तों देसी फ्राइडे सीरीज थोड़ी सी लेट आ रही है क्योंकि आप देख सकते हो अभी मैं घर पे हूँ, यहाँ शादी का माहौल है और ऐसे में रिकॉर्डिंग कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ कर रहे हैं इसको रिकॉर्ड, तो थोड़ा डिले हो तो प्लीज मैनेज करना। एनीवेज, आज की वीडियो में हम खूनी मंडे चैनल पे आई हुई द क्लाउन सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द क्लाउन को देखने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि इस पूरे देसी फ्राइडे सीरीज को हनी गेन स्पॉन्सर कर रहे हैं। अगर इस क्रिसमस आप किसी मिरेकल का इंतजार कर रहे हैं तो वेल, हनी गेन की मदद से आप पैसे कमा सकते हैं पैसिवली बिना कोई एफर्ट लगाए। आपको बस अपना इंटरनेट शेयर करना है और देखा जाए तो इट्स जस्ट लाइक एयरबीएनबी एंड उबर आपके मोबाइल फोन के लिए, जहां आपका इंटरनेट आपके लिए काम कर रहा है। अब क्योंकि अभी हॉलीडे सीजन चल रहा है तो हनी गेन पे आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं और यहाँ आपको जॉली जॉली गिफ्ट्स भी मिलने वाले हैं। बेसिकली हनी गेन का सैंटाज लिस्ट चल रहा है जहां आप क्रिसमस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके ढेर सारे गिफ्ट जीत सकते हैं। I mean, हम सबको कुछ ना कुछ हॉलीडे गिफ्ट तो चाहिए होता है ना, जैसे कि किसी को वीडियो गेम चाहिए, किसी को बढ़िया हेडसेट इत्यादि, तो ये सब आपको मिल सकता है सैंटाज लिस्ट में। आप हनी गेन के अर्निंग को बूस्ट भी कर पाएंगे अगर आप अपने अकाउंट में किसी डेस्कटॉप डिवाइस को कनेक्ट करते हो। तो ऐसे में देर मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में है, उस पे क्लिक करके हनी गेन को इंस्टॉल करो। और क्योंकि आप सैंटा के नॉटी लिस्ट में नहीं हो तो मैं आपको अपना कोड हॉन्टिंग देता हूं, जिसका इस्तेमाल करके आप इंस्टेंटली $5 कमा पाओगे। डाउनलोड हनी गेन नाउ एंड हैप्पी हॉलीडेज। तो पहले एपिसोड में हम ब्रेक टाउन का सीन देखते हैं। यहाँ 13 साल की एना का आज 13th बर्थडे है, जिसके लिए उसके माता पिता मेगन और स्टीव ने पूरे घर को सजाया है। स्टीव और मेगन उसे काफी पुकारते हैं जबकि बदले में एना कोई जवाब नहीं देती। उन्हें कमरे के बाहर एना के रोने मात्र की आवाज सुनाई देती है और कमरे के अंदर हम एना को एक टॉय क्लाउन के साथ बैठा देखते हैं। नरेशन में हमें पता चलता है कि एना को ये डॉल आज से 3 महीने पहले पार्क में खेलते हुए मिली थी और तब से उसका बर्ताव बिल्कुल बदल गया था। वो सबसे कटी कटी रहने लगी थी और बात बेबात लोगों से झगड़ने लगी थी। तभी एना अपने माँ बाप से कहती है कि जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं की वजह से हुआ है और अब वो ऐसी जगह पहुंच चुकी है जहां से वापस नहीं लौटा जा सकता। काफी कोशिश के बावजूद जब एना बाहर आने से मना कर देती है तब स्टीव और मेगन भी चले जाते हैं। उधर एना के कमरे में अब उसके साथ खिलौने की जगह असली क्लाउन बैठा था जो उसके आंसू पोंछ रहा था। दूसरी तरफ हम रॉबिन नाम के टीनेजर को रास्ते से जाते हुए देखते हैं। रॉबिन अपने घर लौट रहा था जब अचानक मौसम बिगड़ने लगता है और बेरेक टाउन में काफी आंधी तूफान आ जा रहा है। रॉबिन को अपने सामने रोड के बीचों बीच एक अजीब सा क्लाउन दिखाई देता है जिसने अपने चेहरे को बलून से ढक रखा था। रॉबिन के करीब आते ही ये क्लाउन से अजीब आवाज में कहता है सरप्राइज, जिसे सुनकर रॉबिन अपनी साइकिल से नीचे गिर जाता है और तभी वो क्लाउन उसके करीब आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉबिन अभी तक घर नहीं पहुंचा है, जिससे उसके माँ बाप काफी परेशान होते हैं। पुलिस को खबर की जाती है और छानबीन करते हुए उन्हें रॉबिन की लाश एक पेड़ से लटकी मिलती है। उसके गले में किसी ने बलून्स को बांध दिया था और उसके चेहरे पे क्लाउन की पेंटिंग की गई थी। ये नजारा पुलिस को भी डरा देती है और वो तुरंत चीफ को खबर करते हैं। वहां एना दूसरी तरफ अपने कमरे में दिखती है जो कि उसी क्लाउन के साथ खेल रही थी। नाउ दूसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि रॉबिन की मौत से ब्रेक टाउन में अफरा तफरी का माहौल है। चीफ के पास भी कोई क्लू नहीं है और एक छोटे से बच्चे को इतनी बेरहमी से कौन ही मार सकता है। रॉबिन का दोस्त जॉनी इस खबर को टीवी पर देख रहा था, तभी उसके माँ बाप वहां आते हैं और जॉनी को घबराया देख न्यूज बंद कर देते हैं। वो उसे बताते हैं कि वो रॉबिन के माँ बाप से मिलने जा रहे हैं और तब तक जॉनी घर पे ही रहे। उनके जाने के बाद टीवी पर अचानक किलर क्लाउन दिखता है और इसे देखकर जॉनी बहुत डर जाता है। ये क्लाउन रॉबिन की तरफ जॉनी को ग्रीट करता है और अचानक घर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। ना अंधेरे में अचानक ये क्लाउन टीवी से बाहर आता है और अंधेरा छा जाता है। दूसरी तरफ एना सुबह से गायब थी और उसकी माँ ने उसे बहुत मुश्किल से स्कूल भेजा था, लेकिन अब स्कूल के खत्म हुए 3 घंटे बीत चुके थे। एना और स्टीव पड़ोसी वगैरह से पूछते हैं और एना को ढूंढना सब कोई शुरू करते हैं। उधर जॉनी के पेरेंट्स जब वापस आते हैं तो उन्हें जॉनी की लाश ऊपर छत से लटकी हुई मिलती है और हश्र वही था जो रॉबिन का हुआ था। अब बात बहुत बिगड़ने लगी थी और स्टीव को किसी का फोन आता है जो बताता है कि एना ग्रेवयार्ड में देखी गई है। स्टीव और मेगन उसी वक्त ब्रेक टाउन के ग्रेवयार्ड में जाते हैं जहां एना एक ग्रेव के पास बैठी रो रही थी। उसके चेहरे पर भी क्लाउन मेकअप था और वो बहुत डरी हुई लग रही थी। एना के माँ पिता उसे वापस घर ले जाते हैं और हम देखते हैं कि अपने पीछे एना क्लाउन को खड़ा देखती है जो उसे गुड बाय कहता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस चीफ जेरल्ड को मर्डरर के खिलाफ एक जरूरी लीड मिलता है।
नाउ तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम स्टीव और मेगन को देखते हैं जो एना को थेरेपिस्ट के पास ले जाने का फैसला करती हैं। दूसरी तरफ पुलिस चीफ जेरल्ड को किलर के खिलाफ एक लीड मिली है और उन्हें बताया जाता है कि आज से लगभग 10 साल पहले बेरेक टाउन में एक सीरियल किलर पकड़ा गया था जिसका नाम था जेम्स। जेम्स पेशे से एक क्लाउन हुआ करता था और उसने अपने सर्कस ग्रुप में 12 लोगों की जान ली थी। उनकी मौत भी ऐसे ही हुई थी जैसे इन बच्चों की हो रही थी, जहां जेम्स अपने विक्टिम्स के चेहरे पे क्लाउन मेकअप छोड़ता था। उसे इलाज के लिए एक मेंटल असाइलम में भर्ती किया गया था जहां उसने अपनी जान ले ली। उधर मेगन एना को थेरेपिस्ट डॉक्टर रीटा के पास ले जाती है। मेगन एना को अपनी डॉल गाड़ी में छोड़ने कहती है और वो लोग डॉक्टर से मिलने उनके घर के क्लिनिक में जाते हैं। डॉक्टर एना से बात करने की काफी कोशिश करती है लेकिन एना एक अजीब सी शक्ल लिए नीचे ताकती रहती है। डॉक्टर पूछती है कि एना को स्कूल में कोई परेशानी तो नहीं, जिस पे एना एक क्रीपी स्माइल देते हुए कहती है कि कुछ सीनियर्स उसे परेशान करते हैं लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वो कुछ नहीं कहती और ऐसे में डॉक्टर मेगन को एना के लिए दवा वगैरह देकर भेज देती है। अब डॉक्टर की बात एना को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बाहर आने पर एना मेगन से कहती है कि वो अपनी स्कूल बैग अंदर ही भूल गई है। वो अपने क्लाउन टॉय को लेकर अंदर जाती है और डॉक्टर रीटा एना से उसके आने का कारण पूछती है, लेकिन एना बिना कुछ बोले अपने बैग से सिजर्स निकाल लेती है और रीटा को स्टैब करके बेरहमी से मार डालती है। आज सारे नौकर भी छुट्टी पे थे और कोई डॉक्टर की आवाज नहीं सुन पाता। नाउ बाहर आके एना बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है और अपनी माँ के साथ वापस घर चली जाती है। उधर पुलिस सारे शहर में नाकाबंदी करवा देती है और तलाशी जारी रखती है, लेकिन क्राइम सीन पर ना तो कोई फिंगरप्रिंट्स थे ना ही कोई दूसरा सबूत। वहां सिर्फ थे बलून्स जो विक्टिम के गले में बांधा गया था, लेकिन ऐसे बलून्स भी बेरेक टाउन में कहीं नहीं मिलते थे। एनीवेज उस रात पुलिस को डॉक्टर रीटा के केस के बारे में पता चलता है और जेरल्ड को उनकी फाइल मिलती है। अब इस केस फाइल में जेरल्ड मेगन का नाम आखिरी कंसल्टेशन में देखते हैं और वो चौंक जाते हैं। नौ एपिसोड 4 के शुरू में जेरल्ड एक पुलिस को लेकर एना के घर पहुंचता है और मेगन से मिलता है। जेरल्ड मेगन से पूछता है कि वो कल शाम कहां थी। मेगन बताती है कि वो एना को लेकर डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि एना कुछ दिनों से परेशान चल रही है। इस पे पुलिस एना की कमरे की तलाशी लेने की बात करता है। एना के रूम में जेरल्ड को एक वुडन बॉक्स दिखता है और मेगन से पूछने में वो बताती है कि उसे इस बॉक्स के बारे में कुछ नहीं मालूम। हम बैकग्राउंड में देखते हैं कि जिस दिन एना को पार्क में वो क्लाउन डॉल मिली थी उसे उसके साथ एक नोट भी मिला था जिस पे लिखा था आई मिस्ड यू किडो। इस नोट के पीछे एक एड्रेस था जहां पहुंचने पर एना को एक एंटीक शॉप दिखता है। दुकानदार उसे देखकर वेलकम करता है और कहता है कि उसे मालूम था कि एक दिन वो जरूर आएगी। इसके बाद ये आदमी एना को एक वुडन बॉक्स दे देता है जिसे लेकर एना घर आ जाती है और अपने कमरे में छिपा देती है। प्रिजन सीन में जेरल्ड इस बॉक्स को खोलता है और अंदर का नजारा देख चौंक जाता है। इस बॉक्स के अंदर कई अजीबोगरीब सामान था, जैसे जोकर का कॉस्ट्यूम, मेकअप का सामान और सबसे जरूरी वो बलून जो अब तक हर मर्डर साइट पे पाया गया था। यहाँ जेरल्ड को एक वीडियो टेप भी मिलता है जिसे वो ऑन कर देता है। इस वीडियो में हम छोटी एना को एक जोकर के साथ खेलते देखते हैं और ये जोकर एना को गोद में उठा लेता है और अपना मास्क उतार देता है। मास्क के पीछे और कोई नहीं बल्कि जेम्स ही था। जेरल्ड मेगन से कहता है कि आज से 10 साल पहले जेम्स नाम का सीरियल किलर हुआ करता था जिसने ऐसे ही मर्डर्स किए थे। अब 10 साल बाद ये मर्डर्स तुम्हारी बेटी एना कर रही है और ये सुनकर मेगन एकदम शॉक्ड रह जाती है। लेकिन ये सुनकर जेरल्ड कहता है कि एक्चुअली तुम्हारी बेटी नहीं, जेम्स की बेटी। और यहीं पे चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब पांचवें एपिसोड के शुरुआत में जेरल्ड मेगन को बताता है कि एना असल में सीरियल किलर जेम्स की बेटी थी और उसका असली नाम जेन था। जेम्स ने अपनी बीवी को भी बाकियों की तरह मार डाला था जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। जब जेम्स ने खुद को मार डाला तो उस वक्त एना सिर्फ 3 साल की थी, इसलिए उसे अनाथ आश्रम में डाल दिया गया। अब मेगन और स्टीव के अपने कोई बच्चे नहीं थे इसलिए उन्होंने जेन को अडॉप्ट किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि असल में जेन एक मर्डरर की बेटी है और बाद में उसका नाम एना रख दिया गया। अब पिछले दिन जेम्स के बारे में पता लगाते हुए पुलिस को जेन के अडॉप्शन पेपर्स मिले जिसमें उन्हें मेगन का नाम दिखा था, इसलिए वो सीधा यहाँ आ गए ताकि सच का पता लगा सके। अब मेगन इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन जेरल्ड कहता है कि अब तक जितने भी मर्डर्स हुए हैं उनका कनेक्शन एना के साथ ही रहा है। रॉबिन और जॉनी उसी के स्कूल में थे और डॉक्टर रीटा से भी आखिरी बार एना ही मिली थी। इसके बाद पुलिस अपने साथ टीम लेकर एना के स्कूल जाती है ताकि पूछताछ किया जा सके। स्कूल में पहले तो एना कहीं नहीं मिलती, लेकिन फिर एक ऑफिसर को वॉशरूम में कुछ अजीब सा दिखता है। वहाँ हर आईने पर खून से जेम्स का वही ग्रीटिंग लिखा था विच वॉज सरप्राइज। उन्हें वहाँ किसी बच्चे के हंसने की आवाज भी सुनाई देती है जो एक वॉशरूम से आ रही थी। अचानक उससे एना बाहर निकलती है जिसका हुलिया बिल्कुल बदल चुका था। उसके चेहरे पर क्लाउन मेकअप था और हाथों में वो बलून्स। वो शैतान की तरह हंस रही थी और उन्हीं बलून्स की रस्सी से ऑफिसर को मार डालती है। इसके बाद भी एना की भयानक हंसी नहीं रुकती। उधर एना के घर के बाहर उसका टॉय क्लाउन पड़ा हुआ था जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। मेगन पुलिस की बात सुनकर बहुत परेशान थी और स्टीव को कॉल करके सब कुछ बता देती है।
एना को भी पुलिस पकड़ कर स्टेशन लाती है, जहां उसे इंटरोगेशन रूम में बंद कर दिया जाता है। यहां भी वो हंसे जा रही थी और इस कमरे में जेरल्ड दाखिल होता है, जो अपने साथ एना का वुडन बॉक्स भी लाया था। जेरल्ड एना से कत्ल के बारे में पूछता है और वो उसे पूछता है कि उससे ये वुडन बॉक्स कहां से मिला, लेकिन एना हंसे चली जा रही थी मानो पागल हो गई हो। जेरल्ड गुस्से में कहता है कि वो भी अपने बाप जैसे ही निकली, और ये बात सुनकर एना बहुत गुस्से में दिखती है। तभी जेरल्ड का फोन बजने लगता है और उसका सिपाही खबर करता है कि किसी ने स्टीव और मेगन को भी वैसे ही मार डाला है जैसे अब तक सारे कत्ल हुए हैं। यह सुनकर जेरल्ड बहुत घबरा जाता है और उसका डर देखकर एना हंसने लगती है और कहती है कि मेरे पापा वापस आ गए हैं और वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। जेरल्ड की आंखों के सामने ही उस वुडन बॉक्स में आग लग जाती है और वहां की लाइट्स भी जलने बुझने लगती है। वहीं एना को आग के बीच अपने पति की परछाई दिखती है और दोनों बाप बेटी एक दूसरे को देख के जोर जोर से हंसते हैं। पांचवा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी खूने मंडे की क्लाउन सीरीज की कहानी, और इसकी कहानी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑल्दो इसके एंड में बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए हैं, और मेरे ख्याल से ये सब हमें आंसर मिलेगा सेकंड सीजन जब आएगा। इनफैक्ट खूनी मंडे वालों ने लास्ट एपिसोड में किलर जेम्स के लौटने की बात करी है, तो यस, सेकंड सीजन जरूर आएगा और उसमें ही हमें सारी गुत्थी समझ में आएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, अगर ऑडियो थोड़ी खराब आ रही है तो प्लीज माफ करना। जैसा मैंने कहा, शादी का घर है, आवाज आ रही होगी बैकग्राउंड से, बट या थोड़ा सा मैनेज करो। एनीवेज, जाने से पहले मैं आपको फिर से हनी गेन के बारे में याद दिलाना चाहूंगा, जिसे आप किसी भी डिवाइस पर डाउनलोड कर सकते हैं यूजिंग द लिंक इन पिंड कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। वहां मेरा कोड हॉन्टिंग जरूर इस्तेमाल करें टू गेट $5 इंस्टेंटली, और क्रिसमस कॉन्टेस्ट में भी भाग लो यार, काफी इंटरेस्टिंग है। चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।